अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ असर रजा और आज का हमारा नेक्स्ट लेक्चर है ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर की हमने प्रेपरेशन पढ़ी थी बाय हेसन क्लेवर्स मेथड, जो कि एक ओल्ड मेथड था। और आज हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे कि ब्लीचिंग पाउडर को बेकमन मेथड से कैसे प्रिपेयर किया जाता है, और उसके बाद ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज और उसके यूजेस सीखेंगे। क्लियर हो गया? तो चले बच्चों, हम शुरू करते हैं कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ब्लीचिंग पाउडर बाय बेकमन्स मेथड। जी, तो हम ब्लीचिंग पाउडर को प्रिपेयर करने का बेकमन्स मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर आज हमने ये पढ़ना है। बेकमन ने ये जब मेथड इजाद किया तो इस मेथड में देखा गया कि जो हम क्लोरीन यूज करते थे हेसन क्लेवर मेथड में, और हमें ज्यादा क्लोरीन यूज करना पड़ती थी, बेकमन्स मेथड में वो क्लोरीन ज्यादा नहीं यूज की जाती थी, बल्कि कम क्लोरीन के साथ हम ज्यादा जो है बेहतर ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर कर सकते थे। अगर हम बेकमन्स एक्सपेरिमेंट या उसके जो है देखें इंस्ट्रूमेंट को, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कास्ट आयरन के बेकमन मेथड का वो जो सिलेंडर वो यूज करता है, वो जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करता है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को अगर हम देखें, ये कास्ट आयरन मीन्स के जो लोहा होता है, ठीक है, उसके 8 रैक्स होते हैं वन बाय वन, जो ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो हम क्या करते हैं जी, वो रैक्स जो है उनमें भी रोटेटिंग स्टेरर्स लगे हुए हैं। ऊपर से हम अपर साइड से एक होपर के जरिए से क्या करते हैं, स्लैग्ड लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो डालते हैं, और नीचे से हम क्लोरीनेटिंग टावर जो होता है क्लोरीन डालते हैं विद हॉट एयर। तो उधर से स्लैग्ड लाइम आ रहा होता है और नीचे से क्या क्लोरीन जा रही होती है। तो उनका जब काउंटर जो है वो होता है, मीन्स के उनका जब एक दूसरे से टकराव होता है, तो वहां पे रिएक्शन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है और ब्लीचिंग पाउडर बनता है। वेस्ट गैसेस जो है वो अपर साइड से निकल जाती हैं और जो हमारा ब्लीचिंग पाउडर होता है वो लोअर कॉर्नर पे हमें मिल जाता है, या लोअर साइड पे सबसे निचले रैक से नीचे हमें जो है वो ब्लीचिंग पाउडर मिल जाता है। तो हम देखते हैं जी कि कैसे बेकमन्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। जी, तो सबसे पहले ये एक ड्रम की शक्ल का, बिल्कुल जैसे एक ड्रम होता है, बिल्कुल उस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जिसमें के हमारे पास 4 to 8 racks लगे होते हैं, एक लॉन्ग सिलेंडर ऑफ आयरन के साथ अटैच्ड, ओके, उसके साथ अटैच्ड हमारे पास क्या होते हैं, रैक्स अटैच्ड होते हैं। उन रैक्स में हमारे पास क्या चीज मौजूद होती है, हमारे पास मौजूद होता है रोटेटिंग स्टेरर, मींस के इस तरह से रोटेट करता हुआ स्टेरर इसमें अटैच होता है। क्लियर हो गया? और ये जो है ये रैक्स हमारे पास तकरीबन 4 to 8 racks जो है वो अटैच होते हैं, जिनमें के रोटेटिंग स्टेरर्स अटैच होते हैं, ओके। अब हम करते क्या है इसमें, इसमें किया ये जाता है कि सबसे पहले एक होपर की मदद से इसमें ऐड किया जाता है किसको, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये इसमें से पाउडर की फॉर्म में डाला जाता है। पाउडर्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम इस इनलेट में, इस होपर में से क्या करते हैं, अपर साइड से इनपुट देते हैं। क्लियर है? तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये इन रैक्स में से होता हुआ, इन शेल्स में से होता हुआ, इस बेकमन्स मेथड का ये जो आपके पास एक्सपेरिमेंट है, इसमें तकरीबन 4 to 8 हमारे पास जो है इस तरह के शेल्व्स बने हुए होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं जी, नीचे वाली साइड से, मींस के लोअर साइड से हम क्लोरीन गैस को ऐड करते हैं। क्लोरीन गैस को हॉट एयर के साथ ऐड किया जाता है, मींस के एयर जो है वो क्लोरीन को प्रोपेल करती है, क्लोरीन को प्रोपेल करती है हॉट एयर। और जब क्लोरीन यहां से ऊपर की तरफ मूव करती है, तो इन रैक से रोटेट करता हुआ हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या स्लेक लाइम आ रहा होता है, वो उस क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, तो हमें एट द एंड क्या मिलता है, ब्लीचिंग पाउडर। और हमें बॉटम में जो है वो ब्लीचिंग पाउडर इस तरह से बीकर में मिल जाता है। ये हमारे पास मेथड है ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन का। कौन सा मेथड है ये, बेकमन्स मेथड है। दिस इज द बेकमन्स मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। और जो वेस्ट गैसेस होती हैं वो अपर साइड से हमारे पास
यहाँ से इस चेंबर में से निकल जाती हैं। ओके हो गया जी। ये जो आउटर जैकेट है इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरीनेटिंग चैम्बर या क्लोरीनेशन चैम्बर, ठीक है। इसको क्लोरीनेटिंग टावर भी बोला जाता है, चैम्बर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बेकमैन्स मेथड जो है वो हमारे पास काम करता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। उसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं ब्लीचिंग पाउडर की, अगर हम उन्हें देखें तो हमें पता चलेगा कि ब्लीचिंग पाउडर कितनी जो है वो अहम आपके पास एक पेशरफ्त है साइंटिस्ट की टूवर्ड्स फैसिलिटेशन ऑफ लाइफ। ओके, कि ब्लीचिंग पाउडर ने हमारी जिंदगी को कितना आसान किया है, ये हमें सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज को ही देख के पता चल सकता है। क्लियर हो गया। तो अब हम शुरू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले तो ये पेल येलोइश कलर का जो है वो सॉलिड होता है ब्लीचिंग पाउडर, मींस के ये येलोइश वाइट, ठीक है, उसे पेल येलो भी कह सकते हैं, लेकिन पेल येलो ज्यादा येलोइश होता है तो आप इसे येलोइश वाइट कह लें, कि ना ये प्योर वाइट होता है और ना ये येलो होता है, ये प्योर जो है पेल येलो होता है, बल्कि येलोइश वाइट कलर होता है। अब उसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट असल में इसलिए है कि आपके पास इसके अंदर जो क्लोराइड हाइपोक्लोराइड आयन होता है उसकी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। फॉर एग्जांपल कि आप अगर ये देखें CaOCl, ये क्या करता है, अपने आप को ब्रेक करता है इन OCl, ठीक है। अगर आप इसका रिएक्शन करवाएं इन HCl, मींस के HCl के साथ, तो ये HCl को क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, आपके पास क्या बनेगा, CaCl2 प्लस आपके पास क्या बनेगा, Cl2 क्लोरीन गैस, और प्लस आपके पास बनेगा वाटर। क्लियर हो गया। तो ये है जी इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। फिर है कि अगर आप इसे जो है वो जस्ट डिकम्पोज करें, मींस कि ये डिकम्पोज होके क्या करता है, ये डिकम्पोज होता है जब OCl2, तो क्या करता है, OCl नेगेटिव आयन देता है, हाइपोक्लोराइट आयन। ये वजह है इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज की, ठीक है। प्लस ये क्या करता है, कैल्शियम पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करता है और साथ में क्लोराइड नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया। उसके बाद है जी इसके रिएक्शंस में कि अगर इसे जो है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल आपने इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया है तो आपके पास एक तो सल्फेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट, और दूसरा आपके पास क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और उसके बाद हमारे पास क्या बनाएगा ये, उसके बाद ये हमारे पास बनाएगा 2HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। क्या बनाएगा ये, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये आप देख सकते हैं HClO क्या है, हाइपोक्लोरस एसिड है। और अगर यही हमारे पास जो है वो एक्सेस अमाउंट होगी तो ये सारे का सारा जो क्लोरीन है वो ऑक्सीडाइज होके क्लोरीन Cl2 की फॉर्म में आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है। जब CaOCl2 रिएक्ट करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, तो हमारे पास क्या बनता है, कैल्शियम क्लोराइड बनता है, प्लस हमारे पास क्या बनता है जी, वाटर बनता है, ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या बचता है, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनिया। ओके, तो उसके बाद हमारे पास ये जो ब्लीचिंग पाउडर है इसके हैं यूजेस, कि ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ कहाँ पे होता है। तो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखें तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, और उसके बाद ये इंडस्ट्री में और भी बहुत से जो केमिकल्स हैं उनके बनाने में यूज होता है। फिर ये यूज होता है डीकलराइजिंग ऑफ द पेपर, लिनन, कॉटन, इस तरह की जो हमारे पास जो है वो क्लॉथ्स हैं उनकी जो है वो डीकलराइजिंग के लिए यूज होता है। एक और बात ध्यान में रखनी है कि जो ब्लीचिंग पाउडर है ये सिल्क और जो वूल, मींस के जो बहुत ही डेलिकेट से फाइबर होते हैं उनकी ब्लीचिंग के लिए ये यूज नहीं होता एज एन ब्लीचिंग एजेंट। क्यों नहीं यूज होता, क्योंकि ये डैमेज कर देता है उनकी सरफेस को, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। तो ये थे जी ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस,
और ब्लीचिंग पाउडर की प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा, किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं रही होगी इस लेक्चर में। तो बाकी आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।